एग्जिट तो ये वाला पहाड़ काट के मतलब बीच से भर है भाई, पेट्रोल भरो सामने में जल महल है, चलते अंदर देखते हैं क्या भाई। कुछ भी नहीं, राजा की जितनी अलग अलग। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, होकर तो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है जंतर मंतर, जल महल और गैटोर का। इससे पहले वाला व्लॉग था हमारा सिटी पैलेस का, जो कि पूरा दिखाया था, जो पार्ट टू है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखो, इस वीडियो को भी एंड तक देखना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ठीक है, और कमेंट में भी भाई बताना क्या क्या चीजें सही लगी। तो मिलते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा जंतर मंतर और जल महल और गैटोर। मैं दिखाता हूँ कि कहाँ है जंतर मंतर, बिल्कुल जैसे अभी यहाँ से हम एंट्री करी बाहर, हमने अभी यहाँ से दिखाता हूँ बाहर का। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जंतर मंतर है ठीक है, तो इसकी भी टिकट लेनी है हमें, फिर इसके बाद अंदर देखते हैं। एक तो धूप इतनी है ना, मतलब देख सकते हो, आपको अंदाजा लग सकता है कि धूप कितनी है, परछाई देखो दिख रहे हैं ना। बस यहाँ से टिकट लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर जंतर मंतर। दिल्ली का तो घूमा नहीं, जयपुर का ही घूम लेते हैं। तो भाई टिकट ले ली है जंतर मंतर की, भाई ने टिकट ले ली है, सही मज़ा आ रहा है भाई, सही गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ अब भाई मास्क इसलिए नहीं लगाया है कि मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ेगा मास्क, लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो आंटी, बिना मास्क की फोटो ना करो, फोटो पहले मास्क लगाओ। वेट यार, मास्क कहाँ है? है मेरे पास ही, मेरे पास ही, पकड़ना ऐसे पकड़ो भाई। मास्क पहन लेते हैं फिर उसके बाद एंट्री करते हैं। देखो मास्क भी जरूरी है भाई, मास्क पहनना जरूरी है ठीक है, मास्क पहनो, सेफ रहो, सेफ रहने का सबको ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ क्या प्रोसेस चल रहा है भाई एंट्री का, डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं। बाकी ये एंट्री आपकी, कोई चेकिंग नहीं है भाई, कोई चेकिंग नहीं भाई, बस यही है भाई, मतलब है तो सेक्सी एरिया भाई, देख लो भाई। पुरानी चीज़ें भाई हमेशा अच्छी होती हैं, सही बात है कि नहीं आसिफ भाई। जंतर मंतर का सीन ये है, एंट्री कर ली है और उसके बाद भाई हमने मतलब फिर भाई ने गाइड कर लिया है, क्योंकि गाइड से ऐसा है ना कि हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाता है, और वैसे अगर नॉर्मल जाओ तो भाई चलते जाओ कुछ समझ आता नहीं है, तो गाइड करना तो सही होता है। क्या कह रहे हो भाई, इसमें तो और कुछ नहीं समझ आएगा बिना गाइड, वही तो मतलब ये पूरा एरिया ना मतलब बिल्कुल खाली टाइप है, कुछ समझ नहीं आएगा अगर हम बिना गाइड के अगर आएंगे ना। तो मैं आपको गाइड से मिलवाता हूँ ठीक है। का नाम क्या है? राजेंद्र। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 10 साल। तो आपने बारे में कुछ बताइए। हम यहाँ के लोकल गाइड हैं, जंतर मंतर के, यहाँ के बारे में हिस्ट्री बताते हैं, कैसे काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ठीक है, जानकारी देते हैं। ओके, तो भैया हमें मतलब पूरी जानकारी देंगे और ये यहाँ के लोकल गाइड हैं। तो चलो भाई धीरे धीरे इनकी बात सुनते हैं फिर चलते हैं आगे। भाई इतना मतलब भाई साहब यहाँ के राजाओं ने जंतर मंतर के अंदर दिमाग लगाया ना भाई, सच में मैं बता रहा हूँ ना भाई, मतलब एक तो भाई एक बार देखो मैं दिखाता हूँ, रुको भाई देख रहे हो ये भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, ये तो गाइड जो बोल रहे तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, वरना तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते अब गाइड सर क्या बताते हैं, बैठ जाओ इस पे, बैठ जाओ। कोई नहीं, देखिए राशियाँ हैं 12। तो पहले जो ना जयप्रकाश चंद्र देखा था आधा आधा दो पार्ट में, ऐसे थे जो ब्लॉक बने थे आधे आधे, तो वहाँ से पहले मालूम करते हैं कि जो रिंग की ना प्लेट की शेडो मार्बल के ऊपर कहाँ गिर रही है, उस राशि का नॉर्मल करती है, राशि चल रही है वहाँ पे, अभी हमारी राशि चल रही है कर्क राशि कैंसर, फिर हमें कैंसर पे आना होता है। अच्छा। ऐसे टोटल 12 है ना जो बने हुए घर, अच्छा। एक कैंसर वाला घर है राशि का ना, अभी वो फिलहाल कर्क पे है। तो कर्क राशि में आके क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं कि हमारा जो सन है इस समय कितना डिग्री एंगल पर है उस राशि के ऊपर, बीच में से दीवार में राशि का एंगल है, ये शेडो यहाँ पे आ रही है, शेडो यहाँ पे आ रही है इसकी, यानी कि 60 मान लो 30 90 डिग्री शो करता है। तो मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है 35 डिग्री पर अभी के सारे समय, और हमें उसका एग्जैक्ट नक्षत्र देखना है, उसका तारा देखना है। तो जो हमने प्लेट देखी फर्स्ट वाली, वो यंत्र राज जो ब्रास की बनी हुई थी गोला, उस यंत्र राज के बीच वाले पॉइंट पे हम टेलीस्कोप लगा देते हैं, और टेलीस्कोप को जो यानी डिग्री से देखे जाते हैं वो वहां बताई जाती है डिग्री, अच्छा टेलीस्कोप को, तो उतना डिग्री पे जो नक्षत्र का नाम सामने आ जाएगा वो कर्क राशि नक्षत्रों के सामने।
रात में काम करेगा। तो क्या ये पढ़ के कहाँ से आए थे, ये राजा पढ़ के कहाँ से आए थे? स्टडी खुद में की थी यहीं से। यहीं से भाई कसम से, भाई साहब ये व्यू देख रहे हो तुम भाई, व्यू देखो तुम भाई, व्यू देखो भाई, मतलब क्या ही बताओ भाई, मतलब ये तो राजा मान सिंह का घर है और भाई ऊपर वो नारगढ़ फोर्ट है जो हम कल विजिट करेंगे, और ये जंतर वंतर भाई एक ही आसपास ही है सब, मतलब भाई मज़ा आ रहा है भाई, मतलब घूमने में मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ थक रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ बनाई है राजाओं ने ओपी। और भाई एक और व्यू दिखाता हूँ तुम्हें भाई, तुम ये देखो भाई, ये देखो भाई, ओ भाई 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 ये देखो तुम भाई, व्यू देखो कुछ मत देखो, व्यू देखो भाई। और ये तुम्हारा भैया ये क्या है? बड़ा सन क्लॉक है, बड़ा सनडायल है ये भाई, यहाँ का मतलब बड़ा सनडायल है ये, बता रहे भैया। हाँ क्या है तो भाई, जो यहाँ पे मेरे को बेस्ट पार्ट लगाना वो ये जगह थी भाई, ये जगह दिख रही है ना, ये जगह भाई बेस्ट पार्ट लगा भाई मेरे को तो भाई, ऑसम। आसिफ भाई क्या कैसा लग रहा भाई? भाई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग, ओ भाई मतलब देखो पता है एक ना व्यू, मतलब एक जब व्यू अच्छा आ जाता है ना तो भाई सारी चीज़ें अच्छी लगती है वहाँ की, तो मतलब मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर बैठ के वो व्यू देख रहा हूँ ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, फर्स्ट टाइम है यार भाइयों ने बोला तो कर रहा हूँ, वरना मन नहीं था। फाइनली भाई जंतर मंतर हो गया, लास्ट ख़त्म, बहुत बड़ा यार, लेकिन भाई घूमने लायक जगह है, मैं तो कह रहा हूँ आओ विजिट करो, मस्त है। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारी तीन लोकेशन तो मतलब कंप्लीट हो गई, चौथी पे जाना है हमें, तो अभी यहाँ से बस एग्जिट करते हैं, थोड़ा बहुत रह गया वो भाई को मतलब बता रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर वो अपना फोर्थ डेस्टिनेशन जो भी है वहाँ जाना है, फिर वहाँ कवर करते हैं। तो भाई एग्जिट तो कर चुके हैं, कैब वाला भी आ गया है, अब देखो इसके बाद कहाँ लिए जाता है। जंतर मंतर भी बढ़िया था, मज़ा आया, लेकिन धूप इतनी है कि ना मैं क्या बताऊँ भाई। भैया भी आ गए हैं और इसके बाद अब भैया कहाँ जा रहे हैं हम? आगे चलेंगे भैया। कहाँ? बस ट्विन सिटी कवर करते हुए बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद जलमहल है, गेट और है, तो कितना टाइम लगेगा उसमें? 10-15 मिनट लगेंगे ज़्यादा। तो बस चलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन पे, फिर वहाँ से बनाएंगे। बाय। मतलब भैया हमें जल महल लेके आए हैं, तो चलते हैं देखते हैं जल महल। यहाँ पे पीछे मतलब एक म्यूज़ियम भी है ये, बट म्यूज़ियम में मतलब ऐसा है, दो म्यूज़ियम घूम लिए तो मन नहीं कर रहा घूमने का, लेकिन भाई सामने बिल्कुल मेरे जल महल है वहाँ जाते हैं। वो तो क्या है? मतलब ऐसा है, वो कह रहे थे कि 10-20 साल से ना मतलब वहाँ पे एंटर मतलब वहाँ नहीं जा सकते जल महल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, होगा कोई रीज़न। बाकी वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको भाई। वैसे व्यू तो ऐसा है ना ऑसम भाई, सामने बिल्कुल पहाड़ी है भाई साहब, भाई क्या सही है यार, लोकेशन देख रहे हो, ये लोकेशन भाई,
ये तुम्हारा भाई जलमहल। अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ से शायद एंट्री है तो वहीं से चल के बनाएंगे वीडियो। भाई चलते हैं, यहीं से निकल जाते हैं। आ जाओ भाई, मस्त है भाई, मस्त। तो ये देख रहे हो, काश यार उसमें जाने देते यार भाई। मतलब भाई राजाओं के शौक देख रहे हो, मतलब भाई एक तालाब झील के बीच में अपना घर, मतलब जो भी है इसको जिस पर्पज से बनाया वो खुद ही जाने है, या फिर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो बाकी भाई अभी मतलब हमें मतलब वो कैब वाला बता रहा था कि इसके अंदर ना मतलब 3 फ्लोर नीचे हैं, ठीक है, 5 फ्लोर का ये पूरा है, 2 फ्लोर शायद ऊपर और 3 फ्लोर नीचे जो पानी में डूबा हुआ है, जैसे कि देख सकते हो एक ये, ठीक है, और एक ऊपर, 2 फ्लोर ये और 3 फ्लोर नीचे। अब वो पता नहीं किस पर्पज़ से नीचे वाला बना रखा है और उसमें कह रहे कि पानी अभी भर चुका है, तो गवर्नमेंट अभी इसमें काम कर रही है। बाकी चलो भाई आगे सीन दिखाते हैं। तो भाई जल महल के बिल्कुल जस्ट एकदम उसके फ्रंट में बैठे हुए हैं, यहाँ से मतलब व्यू बहुत अच्छा है और बिल्कुल जस्ट हमारे सामने ना जल महल है जो कि अभी तो बंद है, मतलब काफ़ी टाइम से बंद है। और भाई सामने से दिखाता हूँ मैं, सामने से पूरा ना मतलब देख के बताना कैसा है भाई। ये है व्यू, पूरा ओवर व्यू दिखाऊँ तो भाई ये है, और सामने ना पता नहीं वो अभी मतलब किसी से पूछा तो वो बता रहे कि वो डैम है, वो सामने जो दिख रहा है ना डैम बता देना, वो तो वो जो सामने एरिया है ना ये वाला जो दिख रहा है, ये पूरा डैम का एरिया है शायद, तो वहाँ से जो आप शायद पहाड़ को वो ना काट के बीच में से, यहाँ से मतलब ये वाला और ये वाला पहाड़ काट के मतलब बीच से बनाया गया। तो भाई मैं मेरा पता क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है टॉप पे जाने का, वो जो टॉप दिख रहा है वहाँ जाने का। चलो भाई, तो भाई मिलते हैं भाई, ओके बाय। भी हम लोग ना मतलब ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली का ना मतलब वो मर जाते थे, तो यहाँ पे मतलब वो किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था जितनी भी यहाँ पे रॉयल फैमिली थी, लेडीज ओनली फॉर लेडीज, हाँ ओनली फॉर लेडीज था ये। तो क्या नाम था इसका भैया? गेटोर। गेटोर नाम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे आप? बस ये जो रॉयल फैमिली का गेटोर है, मरने के बाद में यहाँ के राजा लोग उनके ला के यहाँ पे छतरियाँ बनाया करते थे। अच्छा, मतलब जलाया भी जाता था? जी यही जलाते थे और उनके नाम की छतरियाँ यही बनाते थे। अच्छा अच्छा, तो भाई चलते अंदर देखते हैं कैसा है। मन तो नहीं था लेकिन भाई ऐसा सुना है स्टोरी, तो जाना पड़ेगा भाई, ये बोलना। हाँ चलो ठीक है भाई, अंदर चल के मिलते हैं भाई। ये इसका एंट्रेंस गेट है ऊपर, भाई जहाँ जाओ सीढ़िया, जहाँ जाओ सीढ़िया भाई, हर जगह ऊंचाई पे भाई, ऊंचाई नीचे बना लेते यार क्या होता। तो भाई ये आपका शमशान घाट बोल सकते हो एक तरीके से, ऐसे भाई बोलना तो नहीं सही है भाई, जो भी है भाई चलते जाओ चलते जाओ। ये आपका पूरा ओवरव्यू है। तो भाई अभी अंदर चल के सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? तो भाई एंटर कर चुके हैं, मैं गोपाल जी भाई।
यहाँ की स्टोरी ये है ना कि भाई राजा की जितनी भी मतलब बीवियाँ जो भी थी, जो भी महारानियाँ थी यहाँ की, वो जब भी मर जाती थी ना तो उनकी समाधि या फिर यहाँ पे लाके उनका ना मतलब अंतिम संस्कार किया जाता था। तो जहाँ जहाँ जितनी भी रानियाँ थी ना उनके लिए अलग अलग, जैसे ये है ना यहाँ किसी और रानी का अंतिम संस्कार, वो जो है वहाँ अलग, ये जो है यहाँ अलग, मतलब हर जगह पे ना अलग अलग स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे। नीचे भाई वही क्या बोला इंतज़ार कर रहा है, मतलब ऐसा अगर भाई सही कह रहा हूँ ठंडे में, मतलब अगर ठंड के मौसम में आ जाओ ना तो भाई बहुत सही है। तो एक बार अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या है। अंकल जी वैसे इस यहाँ पे किस, ये जगह किस लिए फेमस है? ये महारानियों की छत्रियाँ हैं, जो राजा की वाइफ होती थी उनके लिए थी वो। अच्छा, तो क्या होता था यहाँ पे, मतलब डेथ उनको यहाँ दाह संस्कार होता था। अच्छा, और उनकी मेमोरी के लिए ये टेंपल बनाया जाता। अच्छा, तो बस ये वही है, मतलब ये अभी ये खाली या फिर लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं, टूरिस्ट है लेकिन अभी टूरिस्ट कम है। अच्छा, क्या नाम से जाना जाता है इसको? महारानी की छत्रियाँ, टेप्स ऑफ महारानी। अच्छा, मतलब यहाँ पे चार पांच महारानियों की वो है? नहीं आगे तो गए खूब महारानियों की। अच्छा, तो एक ही घर के मतलब एक ही उसके थी या फिर अलग अलग? अच्छा, अलग अलग रानियाँ थी सभी उसकी। अच्छा, तो बस भाई आपको पूरा ओवरव्यू दिखाई दिया। अंदर तो मैं गया नहीं क्योंकि थोड़ी घास वास उग रही थी तो मैं इस वजह से नहीं गया। बाकी चलते हैं बाहर, मिलते हैं अनदर लोकेशन पे। तो ठीक है भाई। One hour later. तो गाइज आज जैसे कि हम कल रात को इस होटल में आए थे, फिर उसके बाद नाइट स्टे किया, फिर सुबह हम ना मतलब ऐसा था जो होटल से हमें सर्विस प्रोवाइड हुई थी, जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है वो पूरा घुमाने का मतलब जितना भी सर्विस था वो होटल ने किया। तो आज हमने कम से कम 4 से 5 जो मॉन्यूमेंट्स थे वो हमने कवर कर लिए, लेकिन 2 या 3 जो हिल्स पे है ना फोर्ट है वो हम ना कल कवर करेंगे, क्योंकि वो मतलब होटल वाला जो सर्विस पे था, जो कैब वाला था, उसने बोला कि मतलब आज तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि जयपुर के अंदर ना 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है। तो कल सुबह उसने बोला कि कल सुबह उठ के मतलब हम जाएंगे वहाँ पे, तो बाकी जो ब्लॉग है वो कल होगा, ये वाला ब्लॉग यहीं एंड होगा। तो आज हम जहाँ जाए कहते ना, आज हम कहते हैं क्या बोलते हैं, एक घंटे बताता हूँ मैं, हम जल महल गए थे और क्या बोलते हैं सिटी पैलेस गए थे। सिटी पैलेस पता है यहाँ का कौन क्या है? सिटी पैलेस यहाँ का जो मतलब जो राजा थे ना जयपुर के, उनकी पीढ़ी जो अब जो चल रही है वो वहाँ रहती है। और लेकिन उसके लिए मतलब एक एरिया भी दिया हुआ है टूरिज्म के लिए, जहाँ पे लोग घूम सकते हैं मतलब पूरा। और बाकी क्या बोलते हैं, हम गेटोर गए थे। गेटोर वो जगह थी जहाँ पे मतलब यहाँ के जितने भी वो है ना राजा वगैरह, उनकी जितनी भी रानियाँ थी वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो वो अलग जहाँ जहाँ उन रानियों का अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ पे एक जगह बनी हुई है। और उसके बाद हम कहाँ गए थे, हाँ जंतर मंतर भी गए थे, जंतर मंतर और एक अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल वो है जो कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। तो ये सारे एरियाज पूरा कवर किया हमने। फिर उसके बाद मतलब बीच रास्ते में मैंने ब्लॉगिंग मतलब नहीं करी, मतलब वीडियो मैंने शूट नहीं किया, थक गए थे। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मतलब आ गए अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं होटल में। तो यही वीडियो एंड करते हैं, बाकी जो है कल के ब्लॉग में मतलब स्टार्ट करेंगे वीडियो शूट जितनी भी होगी, जो भी है जैसा भी है। अगर वीडियो मैं ये पोस्ट करता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू।